गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग। उषा सांगवान इंग्लिश वाले का आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी आप समझें। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी बताएंगे और उस कहानी के माध्यम से एक बात बताना चाहेंगे कि जिंदगी के अंदर जैसी भी परिस्थितियां आएं, उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लो और आगे चलो, अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है तो। क्योंकि परिस्थितियां कैसी भी आएं, हर हाल में परिस्थितियां बदलती हैं। सुख दुख ये सब जिंदगी के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अगर दुख नहीं आता तो सुख की अहमियत पता नहीं चलती, और अगर सुख के दिन रहते तो दुख के दिन कैसे रह जाएंगे, कभी भी नहीं रह सकते। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जो रोल वो हमें दे रहे हैं, हमें वो प्ले करना है और आगे बढ़ते हुए चलना है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सुनाते हैं। एक बार एक आश्रम के अंदर कोई आया और वो गाय छोड़ के चला गया, तो वहाँ पे गुरुजी थे, महाराज, गुरु महाराज। महाराज जी से शिशु ने आकर के कहा कि महाराज, आज कोई गाय छोड़ के गया है आश्रम के अंदर। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम दूध पी लेंगे। तो गाय को लोगों ने रखा, उन लोगों ने वहां पर गाय को रखा, वो दूध पीते रहे, काम करते रहे, चलता रहा, सब कुछ सब बढ़िया था। एक दिन वही बंदा दोबारा वापस आया, क्योंकि जो छोड़ के गया था वो तो देख रहा था कि ये पूजा पाठ करने वाले बंदे कैसे इसको मैनेज करेंगे और इनकी क्या रिएक्शन रहेगी। कुछ दिन के बाद में वही बंदा दोबारा आया और गाय को लेकर चला गया। वही शिष्य महाराज के पास फिर वापिस आया और कहने लगा कि महाराज, आज वो फिर आया था और आने के बाद में वो गाय को फिर लेकर चला गया। बोला कोई बात नहीं। बोला क्यों महाराज, अब हम दूध कहाँ से पियेंगे। बोला नहीं, गाय की देखभाल करनी पड़ रही थी, गाय का गोबर उठाना पड़ रहा था। तो जैसी परिस्थितियां आए ना, अपने माइंड को मोल्ड कर लो, आगे चलो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ने में ही भलाई है। लोग 4 दिन सुनेंगे आपकी बातें कि रो रहा है, क्यों रो रहा भाई, तू नया है क्या। तो सबके साथ जो कहानियां हो रही हैं उसके ऊपर बिना सोचे समझे जैसी परिस्थितियां आती हैं, वैसी ही परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालो और आगे चलो, इसी में आपकी भलाई है। नहीं तो सिवाय पश्चाताप के, सिवाय दिमाग खराब करने के कुछ नहीं होता। इसलिए जैसे महाराज जी ने बताया, गाय आई, अच्छी बात है, दूध पी लेंगे, गाय को लेके चले गए तो कोई बात नहीं, हमें वहां मेहनत करनी पड़ रही थी। सुख के दिन आए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दुख के दिन आए तो कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा इसमें है तो हम यहाँ भी जी लेंगे। हर हाल में जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है, चलते हुए जीना है। थैंक यू।